राधे राधे। पिछले वीक में राधाष्टमी भी थी। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों ने राधाष्टमी के दिन राधा जी को मनाकर भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न किया गया होगा। भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न तो भगवान विष्णु प्रसन्न, विष्णु जी प्रसन्न तो लक्ष्मी जी प्रसन्न। तो देखा जाए तो एक पूरी साइकिल है। राधा जी को मना के आपने भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त किया होगा। आशा करता हूँ पिछला वीक सभी जातकों के लिए, सभी राशियों के लिए अच्छा रहा होगा। आने वाला वीक जो सितंबर माह का पहला सप्ताह है, सभी राशि के सभी डिफरेंट जातकों के लिए कैसा रहेगा, इसके बारे में बात करते हैं कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा, शुभ्रता ने मोती, शुभ्रदास दो मुखिरोदास, शुभ दिशा है उत्तर पश्चिम की दिशा। यह सप्ताह आने आप इस राशि के जातकों के लिए आने वाला सप्ताह एक अच्छा सप्ताह रहेगा। कारोबार में भी इजाफा होगा, धन लाभ की भी संभावनाओं के योग बन रहे हैं। प्रॉपर्टी बेचने या नई प्रॉपर्टी लेने के हिसाब से समय अनुकूल नहीं है। छात्रों के लिए सप्ताह अच्छा सप्ताह रहेगा, बेहतरीन रहेगा। नतीजों की बिना चिंता किए मेहनत करना है और कामयाबी आपके साथ रहेगी। इस सप्ताह आपके बिगड़े हुए जो रिश्ते हैं, रिलेशनशिप हैं, वो सुधर सकते हैं। पारिवारिक जीवन में शांति और समृद्धि बनी रहेगी। परिवार से आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। जीवन साथी की और आपकी हेल्थ में इस सप्ताह थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती हैं। चोट लगने की भी संभावना है, इसलिए गाड़ी चलाते समय आपको सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। धार्मिक कार्यों की तरफ आपका झुकाव बढ़ेगा। तो देखा जाए तो सप्ताह एक एवरेज सप्ताह है। सप्ताह को कैसे और अच्छा सप्ताह बना सकते हैं जानते हैं इसके कुछ उपाय। इस राशि के जातकों को चाहिए कि चावल, मोती और चांदी का दान करें। हरे रंग से दूर रहना है। बटुए में अपने चांदी के चौकोर टुकड़े रखना है, जिसमें घर में अलमीरा में कैश रखते हैं, कैश बॉक्स है उसके अंदर भी चांदी के टुकड़े रखने चाहिए। गले में अपने चांदी का चंद्रमा पहन लॉकेट की तरह से पहनना भी इस राशि के जातकों के लिए अच्छा रहेगा। माता का आशीर्वाद लेकर हर कार्य के लिए निकलना इस राशि के जातकों के लिए शुभ कार्य रहेगा। कन्याओं को खीर बनाकर भोजन कराना, खाने में दही का शामिल करना, भगवान शंकर की पूजा करना और दूध से उनका अभिषेक करना, दूध में भिगोकर चावल गाय को खिलाना इस राशि के जातकों के लिए आने वाले सप्ताह को अच्छा सप्ताह बनाने में मददगार साबित होगा। तो जैसा कि मैं हमेशा कहता आया हूँ कि ये सारे उपाय यदि आप कर पाएँ तो बहुत अच्छा है, नहीं भी कर पाएँ तो कुछ स्पेसिफिक जो उपाय हैं, जैसे अच्छे विचार, अच्छे कर्म, यदि ये आप हमेशा अपने साथ रखते हैं, बुजुर्गों की सेवा करना, ज़रूरतमंदों को दान देना, अपनी आय का एक पोर्शन मंदिर में या फिर गरीबों को या ज़रूरतमंदों को दान करना, ये कुछ उपाय ऐसे हैं जो केवल आने वाले सप्ताह को ही नहीं, आने वाले हर एक सप्ताह या फिर लाइफ लॉन्ग आपके लिए, आपको आने वाले पिछले प्रॉब्लम्स जो आपकी जन्म पत्री के हिसाब से डिसाइडेड हैं कि वो उस समय पे आएंगी, उनसे सभी से दूर रखेंगे और आपके हर एक सप्ताह को एक अच्छा सप्ताह बनाने में मददगार साबित होंगे। इन्हीं आशा के साथ कि आने वाला सप्ताह आपके लिए अच्छा, शुभकारी रहे। मैं महागुरु गौरव, नमस्कार।